महाभारत में इनके बड़े बड़े विधायक जो है वो पूछ रहे हैं कि पांच गांव मांगे थे पांडवों ने, वो भी नहीं दिए, वो तो कौरवों से मांगे थे। तो आज कौरव और दुर्योधन कौन है जो उन पांडव को वो अपने पांच गांव नहीं दे रहा है? पिछले 7-8 महीने हो गए हैं, ये व्यवस्था ही परिवर्तित कर रहे हैं, और व्यवस्था परिवर्तित करने में जो है वो महाभारत भी कोट हो रहा है, कबीरदास भी कोट हो रहे हैं। महाभारत में इनके बड़े बड़े विधायक जो है वो पूछ रहे हैं कि पांच गांव मांगे थे पांडवों ने, वो भी नहीं दिए। तो अब मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि उसमें जो पांच जो गांव मांगे थे वो किससे मांगे थे? वो तो कौरवों से मांगे थे। तो आज कौरव और दुर्योधन कौन है जो उन पांडव को वो अपने पांच गांव नहीं दे रहा है? फिर इनके राज में तो एक पुराने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वो सोशल मीडिया पर जो है वो अटैक कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये सरकार चल रही है। राजनीति के लोग तो सत्ता परिवर्तित करते हैं, जो हमारे अफसर और कर्मचारी हैं वो व्यवस्था परिवर्तित करते हैं, पर कौन सी व्यवस्था परिवर्तित हो रही है और कौन से लोग परिवर्तित हो रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं। आज हम बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे हैं, हम अपने घर को जो है ठीक कर रहे हैं, हम अपना संगठन बना रहे हैं, ये सब कुछ कांग्रेस के अंदर ही हो रहा है, विरोध भी और व्यवस्था परिवर्तन भी और सत्ता परिवर्तन भी सब इनके बीच में हो रहा है, जिसके कारण सत्ता परिवर्तित उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। किसी को आज याद नहीं है महिला के उनको 1500 रुपए देने हैं, किसी को किसान याद नहीं है कि गोबर भी खरीदना है हमने, किसी को याद नहीं है कि किसी युवक को नौकरी देनी है हमने। हाँ, अपने दोस्तों को नौकरियां दी जा रही हैं आजकल, लेकिन उससे भी दुखी इनके लोग हैं। इनसे हमारा जो है निवेदन है कि आपको मैंडेट दिया है हिमाचल प्रदेश की जनता ने, हालांकि आपने झूठ के आधार पर वो मैंडेट लिया है, आपने झूठी गारंटियां दे करके वो मैंडेट लिया है, आपने लोगों को गुमराह करके वो मैंडेट लिया है, लेकिन गुमराह किया है, झूठ बोला है, कम से कम आज तो काम करो, इतने भी काम हैं। ये सबके सब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए हैं, और उनको जो बचे हुए काम हैं पूरा करना वर्तमान सरकार का धर्म है, काम है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूटी। लेकिन इसका क्रेडिट ये लेके इन्होंने ही काम शुरू कर दिया है, अब सुरंग यही बना रहे हैं आज, मतलब उसका जब उद्घाटन होगा तब बनेगी, वो जो काम हो गया है हुआ हुआ है और जिसने किया है उसको जो है भूल जाए। तो इसलिए इस पर जो है वो मेरा एक और निवेदन है कि काम को एक्सपेडाइट करें, इसके रोके ना, क्योंकि अगर एक्सपेडाइट काम नहीं करेंगे तो काम रुक जाएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा, और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना हिस्सा इसमें दे, जो प्रोजेक्ट जो है वो बचे हैं जिसमें पैसा केंद्र का खत्म हो गया है वो पैसा जो है वो केंद्र प्रदेश सरकार को देना है, क्योंकि प्रोजेक्ट का पहले ही पैसा तय हुआ है।